हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे को करना क्या है, यहाँ पर जो है सर्कल का पिरामिड बना दिया है। तो यहाँ पर बच्चे को इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। 3 1 3, देन बच्चे को इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर राइट करनी है, 6 3 18। तो यहाँ पर बच्चे को किससे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए, 2 3 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाए, 8 आ जाए हमारे पास, 2 4 8। अब 6 8 48, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी हमारे पास, 8 आ जाए। तो यहाँ पर बच्चे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8 और 4 2 8, तो 8 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 64। लाइक दिस बच्चे को इस तरह से आप सर्कल बनाकर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बच्चे को ट्रू और फॉल्स को राइट करना है। 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या 7 2 की मल्टीपल में आता है, 2 की टेबल में आता है, नो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स के लिए आप क्रॉस करने के लिए बोल सकते हैं। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 18 क्या 2 का मल्टीपल होता है, यस। 18 2 के मल्टीपल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यस। 20 जो है 5 की टेबल में आता है। 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 14 जो है 2 की मल्टीपल, 2 की टेबल में आता है, सो यहाँ पर टिक कर देना। 45 इज मल्टीपल ऑफ 5, यस। 70 इज मल्टीपल ऑफ 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। इस तरह से बच्चों को आप ट्रू और फॉल्स बनाकर उसको इस तरह का कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं कि मल्टीपल आता है तो हमें क्या करना है। उसके बाद क्या है, व्हाट कम नेक्स्ट। यहाँ पर बच्चे को देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, फिर 8 है, तो 1। तो यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पर 1 में 1 ऐड किया हमारे पास 2 आ गया। अब 2 में हमने 2 ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4। अब 4 में यहाँ पर क्या ऐड किया, 4, ठीक है। पहले 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, तो यहाँ पर 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। यहाँ पर 2 4 8 16 है, तो यहाँ पर क्या है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 2 क्या हो जाएगी, यहाँ पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। 3 2 6 3 2 6, 3 को यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12। तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 24। तो यहाँ पर बच्चा इसको कई तरह से कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 में 4 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 4 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। या तो इस तरीके से बच्चा कर सकता है, या बच्चा इस तरीके से कर सकता है कि 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, ठीक है। तो ये आप बच्चे पर डिपेंड करता है कि बच्चा इसको किस वे में सोचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 1 3 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, तो 9 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ सम बनाकर आप बच्चे को दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ब्रेन टीजर एक्टिविटी, यहाँ पर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। तो इस तरह से आप बच्चे के ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को एक टाइप से नहीं, अलग अलग तरह से उसको देकर, ताकि उसको जो मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।